हाय, आज डे नंबर 13 और 14 की बारी है और आप देखिए 2 हफ्ते में हमने आपको जो है क्या क्या कंप्लीट करवा दिया है। डे नंबर 13 और 14 में आप सबसे पहले ये वाला पीडीएफ करोगे जो कि है यूनिट नंबर 2 का ब्लॉक नंबर 1 से एंड आईओएस का, और उसके बाद आप ये वाला पीडीएफ कर लेंगे जो कि है ब्लॉक नंबर 1 से यूनिट नंबर 3 और 4। देखो 14 दिन में हमने आपका मैथ्स कंप्लीट करवा दिया है थोड़ा बहुत, और 14 दिन में ही हमने आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का एक पार्ट और एनआईओएस का पहला ब्लॉक कंप्लीट करवा दिया है। इसी तरह से हम आने वाले टाइम में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको 14वें दिन में क्या करनी है, देखिएगा ये जो पीडीएफ हमने तैयार करी है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन यहाँ ऑनलाइन भी करवा दूंगा, बाकी मैं पेड वाले ग्रुप पे भेज दूंगा। जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है। तो शुरू करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, बाकी मैं पेड ग्रुप में भेज दूंगा, आप कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पीडीएफ होने वाला है। और देखो इसी तरह से हमने सेम टू सेम ये चीज़ हिंदी में भी दी है, हालांकि हम यहाँ पे अभी इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, सेम टू सेम हमने ये हिंदी में भी दे रखा है। आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना कि हमारे सारे नोट्स बायलिंगुअल हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विदाउट एजुकेशन, एजुकेशन के बिना आदमी जानवर की तरह है, ये स्क्रिप्चर में कौन सी मेंशन है? तो ये वेदाज में मेंशन है, ये ब्लॉक नंबर 1 में आपको मिल जाएगा, नोट्स में हमने आपको सब दिया हुआ है। अच्छा मैं यहाँ आपको कुछ बता दूं कि यहाँ पे हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि यहाँ ऑल ऑफ द अबव आंसर दिया है, ठीक है। अब आप देखो क्या है कि अब आप यहाँ 34 क्वेश्चन के बाद देखोगे, 34 तक तो हमने आपको क्वेश्चन दिए, फिर ऑल ऑफ द अबव जहाँ जहाँ दिया गया है उसके हमने आपको अलग से एमसीक्यूज दिए हैं, ठीक है। उसके नीचे आप फिर देखोगे, ये एमसीक्यूज खत्म होने का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये आपका ब्लॉक नंबर 1 कंप्लीट करा देंगे। ब्लॉक नंबर 1 का पीडीएफ और ये एमसीक्यू वाला पीडीएफ सॉल्व करने के बाद आप मान के चलो कि आपके एग्जाम में जो पार्ट बी है उसमें 100 नंबर से आ जाएंगे 10 से लेकर 15 नंबर। हमको DSSB में सिलेक्शन के लिए कितना चाहिए, 160+, मतलब इस पे 100% सिलेक्शन है हमारा 160+ में, ठीक है। अभी आपके जो है ब्लॉक 1 से जो है इतने कंप्लीट हो जा रहे हैं 10 से 15 नंबर। अभी ऐसे ही करते करते हम ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 ऐसे करते करते सारे ब्लॉक कंप्लीट कर लेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो 100 नंबर है वो तो हम आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करा ही देंगे, और जो मैथ्स वाला, रीजनिंग वाला, इंग्लिश वाला है 100 नंबर वो भी हम आपका पूरा करवा देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप हमारे नोट्स पढ़ने के बाद 160 से कम नंबर, एक नंबर भी कम ले आए, 160 तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। तो वापस आते हैं हमने क्वेश्चंस के ऊपर, आप देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में जो शिक्षा है उसका मेन काम क्या था, तो वो था सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। फिर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद, तो उपनिषद का जो लिटरल मीनिंग है वो है सिट नियर। और देखिए एक क्वेश्चन दिया है, डैश इज द ओरिजिन ऑफ लर्निंग, तो इसका आंसर हो जाएगा लैंग्वेज, लैंग्वेज इज द ओरिजिन ऑफ लर्निंग। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन दिया है व्हेन वाज द NCERT एस्टैब्लिश, तो ये है 1 सितंबर 1961, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक हम देख लेते हैं, इसी तरह से रैंडम क्वेश्चन देखेंगे, बाकी ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, आप कर लीजिएगा। एक रैंडम क्वेश्चन यहाँ पे है, हु इज द कन्वेनर ऑफ जनरल असेंबली ऑफ NCERT, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्रेटरी ऑफ NCERT, ठीक है। अगला एक और रैंडम क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग द SIEMT, ठीक है। तो SIEMT का फुल फॉर्म आप लोग डिस्क्रिप्शन में बताइएगा। उसके बाद देख लेते हैं इसका सही आंसर है टीचर ट्रेनिंग करिकुलम डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मेनी एजुकेशनल ब्रांचेस आर देयर इन ईच डाइट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। और यहाँ पे मैं आपसे दो चीज़ें पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा डाइट का फुल फॉर्म क्या है, SCERT का फुल फॉर्म क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ SCERT, बहुत हद तक इसका आंसर हमेशा ऑल ऑफ द अबव ही होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ स्टेट एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि SIEMT का फुल फॉर्म है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिली हुई हैं, इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एक रैंडम क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखिए एक रैंडम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर इन अ क्लस्टर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 से 10 स्कूल होते हैं एक क्लस्टर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, When did the Indian Parliament pass the Bill Right to Education? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 अगस्त 2009 को, ठीक है 26 अगस्त 2009 को। आप कौन सी क्लास, आपके कौन से कॉलेज में थे, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, Which rights of the children help them to grow independently and well? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Right to Education, Right to Health, Right to Play, तो यानी कि all of the above। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, What are the rights of children? तो जाहिर सी बात है all of the above हो जाएगा इसका तो आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है, Who is associated with UEE? UEE का फुल फॉर्म बताइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रॉम एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेक्शन, देखो यहाँ गलती से यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ होगा ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर BRC, ठीक है। तो देखो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इतनी सारी टाइपिंग करने में कुछ ना कुछ दिक्कतें तो हो ही जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करिकुलम डेवलपमेंट, टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग और ऑल ऑफ द अबव। एक बात याद रखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादातर आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा मटेरियल हम अभी आपको पेड वाले ग्रुप में भेज देंगे। डे नंबर 13 और 14 में आपको ये 3 PDF सॉल्व करने हैं, फिर से आपको याद दिला दे रहा हूँ, एक तो ये वाली यूनिट नंबर 2 ब्लॉक 1 से, उसके बाद यूनिट नंबर 3 और 4 ब्लॉक
ब्लॉक वन से, और उसके बाद ये वाला पीडीएफ जिसके अंदर आपको सारे के सारे ये एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आने वाले दिनों में हम आपकी तैयारी कराते रहेंगे, आपको 160 नंबर लाने हैं सिलेक्शन के लिए। और अब यकीन मानो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो हमने आपको ना कराया हो और आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि इससे पहले जो चंडीगढ़ जेबीटी का एग्जाम हुआ हो, चाहे कैंटोनमेंट बोर्ड पीआरटी हुआ हो, चाहे यूपीएसआई का पेपर रहा हो, चाहे कॉमर्स पीजीटी का पेपर रहा हो, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में वही आए हैं जो हमने आपको पढ़ा के भेजे हैं, वही चीज होगी आपके डी ट्रिपल एसबी में। तो हमसे अच्छी तैयारी आपकी डी ट्रिपल एसबी की कोई करा नहीं सकता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किस तरह से आप तैयारी कर रहे हो और कितनी अच्छी आपकी तैयारी हो रही है। बाकी अगर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। तो मिलते हैं आपसे आने वाले चैलेंजेस और वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।